अबे पहले तो इतनी तेज चला रहा था जैसे ट्रेन छूटने वाली है, अब क्या हो गया? अबे ग्रीन लाइट है, आगे ले चल। कौन है? कब से बोल रहा हूँ खोल नहीं रहा है। कौन है? खोलिए, क्या प्रॉब्लम है? अबे खोल। कौन है? खोलिए। क्या कर रहा है तू? अरे खोल। मुझे याद है उस केस में हम लोग को केरला जाना पड़ा था खूनी को पकड़ने के लिए। और जब हम लोग वहां पहुंचे उस केरला के शादी वाले घर में, तो वहां दुल्हन गायब। कमाल है, ये प्यूरो में कबूतर कहां से आ गया? डॉक्टर तारिका ने कोई प्रेम पत्र तो नहीं भेजा तुम्हारे लिए कबूतर के जरिए? हो सकता है, हो सकता है। ये लीजिए, हम लोग सोच रहे थे ब्यूरो में कबूतर है, यहाँ तो कौवा बैठा। सर, आज आप इतनी जल्दी आ गए सर? सॉरी फ्रेडी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे गाने का रियाज कर रहे हो, हम लोग बाद में आ जाते हैं। मैं गाने का रियाज नहीं कर रहा था सर। तो फिर क्या कर रहे थे फ्रेडी? सर, सब टीवी पे एक नया सीरियल आ रहा है, उसी का नाम है गुटरगू। तो इसमें ऐसी खास बात क्या है? यहाँ तो हर रोज अलग अलग चैनल में कोई ना कोई नई सीरियल आते ही रहती है। मालूम है, लेकिन ये सीरियल दूसरे सीरियल से एकदम अलग है। वो कैसे? इसमें एक भी डायलॉग नहीं है। क्या? सीरियल में डायलॉग नहीं है? कोई कोई किसी से बात नहीं करता? कमाल है यार, ये कैसा सीरियल है? अगर किरदार एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि अंदर क्या हो रहा है? क्यों भाई? यही तो इस सीरियल की खासियत है सर, समझ में भी आता है और इतनी हंसी आती है कि मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाता हूँ। अच्छा, बस हमको भी देखना पड़ेगा ये सीरियल। कब आता है? हर शुक्रवार रात को 8:30 बजे सिर्फ सब टीवी पे। हेलो, खून बीच सड़क पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। कोई चोट वोट का निशान नहीं है बॉडी पे, शायद गोली मार के ही खून किया गया। ऐसा लगता है खून करने से पहले कोई हाथापाई भी नहीं थी। पेट से चिपका के गोली मारी गई है। खूनी कार में बैठा होगा साथ में, अगर बाहर से गोली चलाता तो खिड़की विड़की कांच वांच टूट जाता। सुनिए भाई साहब, आप जरा इधर आइए। आ गई। हाँ, आप इधर आइए। किसी को भागते हुए देखा यहाँ कार में से? नहीं, गाड़ी के अंदर से कोई बाहर निकला ही नहीं। बड़ी अजीब बात, आपने किसी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा? अच्छा, गोली चलने की आवाज सुनी आपने? नहीं सर, कोई आवाज नहीं। सर, कार तो पूरे टाइम मेरी आंखों के सामने ही थी, अगर कोई कार से उतर के जाता तो मुझे जरूर मालूम पड़ता। ये भी हो सकता है, मगर वो आदमी गोली मार के गायब हुआ तो हुआ कहाँ?
सर, इस लड़की की पर्स में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। गाड़ी जाने दो। शीतल कुमार। सर, मैंने गाड़ी में के सारे फिंगरप्रिंट्स लिए। गुड जॉब। वो सारे निशान फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। जी कहिए। शीतल यहीं पे रहती है ना? हाँ, पर वो यहाँ पर नहीं है। मालूम है हमें। जानते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। प्लीज आइए अंदर। पर बात क्या है? देखिए, हम लोग शीतल के बारे में ही बात करने आए हैं। पर वो घर पर नहीं है। पता है हमें। बात ये है कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? शीतल मर गई? जी हाँ, खून हुआ है उसका। खून? जी हाँ, किसी ने गोली मार दी उसे। गोली मार दी शीतल को? किसने? वैसे आप शीतल की? मेरी यहाँ वो किराए पर रहती थी, पेइंग गेस्ट। ओ, वैसे आप लैंडलेडी हैं उसकी? हाँ। वैसे शीतल के असली घर वाले कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता है। कमाल, बिना ये सब जाने आप ऐसी किसी को घर में रख लेती है? शीतल तो बहुत अच्छी लड़की थी, स्वीट गर्ल, कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो कोई बात नहीं, वैसे घर किराए पर देने का अग्रीमेंट तो होगा ना आपके पास? हाँ, वो तो है। जरा दिखाइए वो। कोई और बात? नहीं, ठीक है, कुछ और पता चले तो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? कोई भी डिटेल। या थैंक्स। नहीं सर, कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन इस लड़की के बारे में सही नहीं है, सब कुछ गलत है सर। हाँ सर, त्या बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में नहीं है। बड़ी अजीब बात है, इस लड़की ने अपने बारे में कहीं पर भी असली इंफॉर्मेशन लिखवाई नहीं है। अपने घर के बारे में नहीं लिखवाया, रहती है किराए के घर। समझ में नहीं आता ये लड़की है तो है कौन। सर, हम लोग अभी फोरेंसिक लैब से आ रहे हैं। उस कार में से जिन दो लोगों की उंगलियों के निशान मिले थे, उनमें से एक शीतल का था। और ये दूसरा? सर, दूसरे शायद खूनी के ही है। हम लोग रिकॉर्ड्स में चेक करके देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। जल्दी करो। सर, मुझे लगता है ये लड़की कोई गुनहगार है, तभी इसने अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सही से ही नहीं रखी है। सब कुछ गलत सलत है। इसका बैंक अकाउंट नहीं है, इसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। हाँ सर, कार में भी कोई क्रिमिनल ही जा रहा था इसके साथ में। आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा वगड़ा हुआ होगा और क्रिमिनल ने मार दिया सर। हो सकता है, हो सकता है। चाचा। यस सर। शीतल के फिंगरप्रिंट चेक करो रिकॉर्ड्स में। यस। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम महेश है, मैं एक स्पेशल यूनिट से हूँ, विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट से। विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट? आप लोग गवाह को छुपा कर रखते हो ना, ताकि कोई गुनहगार उनकी जान के पीछे ना पड़े, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। जी सर, वही सर। यहाँ कैसे आना हुआ? सर, मैं आपसे शीतल के बारे में कुछ बात करने आया था। शीतल? शीतल के बारे में? जी सर, हमें पता चला है कि आप लोग शीतल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मगर ये शीतल क्रिमिनल थी या फिर गवाह? नहीं सर, शीतल क्रिमिनल नहीं थी। तो फिर शीतल का खून कैसे हो गया? What? शीतल का खून हो गया? तुम्हें ये पता है कि हम शीतल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि शीतल का खून हो गया। बड़ी अजीब बात है। वैसे तुम शीतल को कैसे जानते हो? सर, 2 साल पहले उसने गवाही दी थी एक खतरनाक क्रिमिनल के खिलाफ, तभी से वो गुंडा उसके पीछे पड़ा हुआ, इसलिए हमने उसकी आइडेंटिटी, उसका पता, यहां तक कि उसका नाम भी बदल दिया। नाम भी बदल दिया था? जी सर। तो मतलब वो लड़की शीतल नहीं, कोई और है? हाँ सर, उसका असली नाम मेनका था और वो जिम जिम बार में काम करती थी, और उसने खून होते हुए वहीं देखा था। मेनका? और वो क्रिमिनल जिसके खिलाफ उसने गवाही दी थी, वो कौन था? सांचा, उसका नाम सांचा था, जरूर उसी ने मरवाया होगा उस बेचारी को। सांचा? ये सांचा इस वक्त कहाँ है? सिहार जेल। सिहार जेल?
सर, सब उंगलियों के निशान मिल गए। किसके? एक शेरा नाम का आदमी सुपारी लेकर खून करता है। मतलब सर, सांचा ने शेरा को सुपारी दी थी इस मेनका का खून करने के लिए। कमाल है सर, जेल में बैठे बैठे सांचा ने शेरा को सुपारी भी दे दी। दे, सर, तुम जिम जिम बाहर जाओ और हम इस सांचा से मिलने सिहार जेल जाते हैं। आप? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। जरा आप ये फोटो देखिए। ये तो मेनका है। हाँ, ये मेनका है, इसका खून हो गया। खून किसने किया? शायद उसी आदमी ने जिसके खिलाफ गवाही दी थी मेनका ने। गवाही? हाँ गवाही। आप थे ना यहाँ उस वक्त जब बार में खून हुआ था? नहीं सर, खून गेट के बाहर हुआ, उस वक्त मैं काउंटर पर बैठा था साहब। तो क्या खून होते हुए मेनका के अलावा किसी और ने नहीं देखा था? नहीं देखा था सर, मेनका की दोस्त उससे मिलने आई थी, उसने भी खून होते हुए देखा था। कौन है ये दोस्त? ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर, मेनका उससे मिलने बाहर गई, उस वक्त ये खून हो गया। उस दोस्त का नाम पता कुछ भी नहीं है आपके पास? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ ये सब। अच्छा, आप इस खूनी के बारे में क्या जानते हैं, सांचा के बारे में? बहुत ही खतरनाक आदमी है साहब, उसने मेनका को धमकी भी दी थी साहब कि वो गवाही ना दे, मगर वो नहीं मानी और अंजाम आप देख ही रहे साहब। सांचा, अच्छा ये सीआईडी वाले तुमसे? जानता हूं एसीपी प्रतिमन, यहां क्या लेने आए हो? शीतल का खून हो गया है। तो मैं क्या करूं? शीतल जानते नहीं? नहीं जानते। मेनका? उसे भी नहीं जानते। मेनका जिसकी गवाही की वजह से आज तुम जेल की सलाखों के पीछे? ओहो, अच्छा हुआ मर गई, उसने मुझे जेल भिजवाया था। तुमने ही मरवाया ना उसे? तुम्हें क्या लगता है सीपी कि मैं जेल में बैठकर लोगों को मरवाता हूँ? सर, इतनी आसानी से अपनी चोंच नहीं खोलेगा ये, इसे ब्यूरो ले चलते हैं, अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं इसकी। रेडी? ये तोता चोंच भी खोलेगा और मिर्ची भी खाएगा। ले जाओ इसे। पिछले 2-3 दिनों में इसे कोई मिलने आया? नहीं सर, मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन हाँ कल उसके लिए 2 फोन जरूर आए थे, एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर के 12 बजे। सर, शीतल का खून भी तो 11 और 12 के बीच में ही हुआ था। ये 11 और 12 बजे किसका फोन आया था, कहाँ से आया था, कुछ बता सकते हो? नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं। रेडी, एक काम करो, जेल के फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता लगाओ कल 11 और 12 बजे सांचा को किसने फोन किया था, कहां से। यस सर। सहेली? मतलब मेनका के साथ उसकी सहेली भी थी जिसने खून होते हुए देखा है? सर, इस केस के बारे में है डेटाबेस में, ये वो दूसरी लड़की का नाम मानसी है सर, जिसने सांचा के खिलाफ गवाही दी थी। उसका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर वगैरह है? नहीं सर, फोटो वगैरह तो नहीं है, मगर एड्रेस लिखा है। इस मानसी की जान को खतरा है, उसे बचाना होगा। सर, उस नंबर का पता चल गया है जहाँ से सांचा को फोन कॉल्स आए थे जेल में। कहाँ से? चांदपोल एरिया के एक पीसीओ से ये दोनों फोन कॉल्स किए गए थे। चांदपोल पीसीओ? Excuse me. जी सर। हम लोग CID से। CID? जी। जरा ये फोटो देखो। और बताओ, क्या ये आदमी
कल 11 और 12 बजे के बीच यहाँ फोन करने आया था। सर यहाँ इतने लोग आते हैं, किस किस को ध्यान रखेंगे? अरे पहले फोटो तो देखो। नहीं सर, इस आदमी को मैंने नहीं देखा। ध्यान से देखो, याद करके देखो, ये खून का मामला है, समझे? खून? हाँ खून। सॉरी सर, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मुझे पता होता कि ये खूनी है तो मैं इसे फोन नहीं करने देता, पकड़वा देता। मालूम है। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो, देखो क्या ये आदमी आया था। इस आदमी ने दो बार फोन किया था यहाँ से, एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर 12 बजे। हाँ सर, याद आया, ये आदमी दोबारा फोन करने आया था। जल गई सर, इसके दिमाग की बत्ती जल गई। क्या ये आदमी यहाँ पर अक्सर आया करता है, तुम जानते हो इसे? नहीं सर, इससे पहले ये नहीं आया। ठीक है, अगर आया तो हमें फोन करना, समझे? ठीक है सर। ये ले, ये कार्ड ले, इस पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? 11 बजे उसने यहाँ से फोन किया, फिर जाके शीतल का खून किया। शीतल का खून करने के बाद 12 बजे वो वापस यहाँ आया इसी पीसीओ पर और यहीं से फोन किया। शीतल को जहाँ पे मारा वो जगह यहाँ से बहुत दूर है ना? हाँ सर, शीतल को मारने के बाद वो दोबारा फोन करने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा सर? कहीं और से भी तो कर सकता था। वही तो, इसका मतलब यही हो सकता है विवेक कि वो आदमी यहीं कहीं रहता होगा, आसपास की बस्तियों में पूछताछ करनी होगी। दरवाजा खोलो। सर पीछे का दरवाजा भी बंद है, लगता है घर में कोई नहीं है। एक मिनट जी। ये मानसी यहीं पे रहती है? जी नहीं, वो यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती? मालूम नहीं कहाँ रहती है, यहाँ से तो वो एक साल पहले ही चली गई थी। लेकिन बात क्या है? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, उनकी जान को खतरा है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? और आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से। CID? लेकिन उसको मारना कौन चाहता है? भाई तो हम भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी दोस्त शीतल तो मर चुकी है, अब शायद मानसी की जान भी खतरे में है। अच्छा, तभी दो तीन दिन पहले क्या हुआ था? एक आदमी आया था यहाँ पर मानसी को ढूंढते हुए। कौन था वो आदमी? वो तो पता नहीं, लेकिन दिखने में बहुत अमीर लग रहा था, बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास और 4-5 बॉडीगार्ड भी। बड़ी सी गाड़ी और बॉडीगार्ड भी? जी हाँ। देखिए अगले बार वो यहाँ पर आए तो प्लीज हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जी जरूर। आपके पास मानसी का कोई फोटोग्राफ वगैरह कुछ है? अब जी मेरे पास उसका फोटोग्राफ कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक्स।
अरे सुनो, इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? जानते हो तुम इसे? कहाँ रहता है ये? कुछ पता है? हंस क्यों रहे हो? मैंने पूछा कहाँ रहता है ये आदमी, कहाँ देखा है इसे? अरे रो क्यों रहे हो? आपने डांटा, इससे गुस्सा करते हैं। अरे कहाँ गुस्सा किया मैंने? मैंने प्यार से पूछा ना तुम्हें। मैं प्यार से पूछता हूँ, इसे देखा है कभी? देखा है? कहाँ पे? नहीं बताऊंगा, मुझे चॉकलेट दो। चॉकलेट? एसीपी साहब ने आज तक हमें तो कभी चॉकलेट नहीं दी, इसको क्या देंगे? ये लो, ये पैसे लो और चॉकलेट लो। नहीं नहीं, चॉकलेट चाहिए, पैसे नहीं लूंगा, नहीं लूंगा पैसे। अच्छा अच्छा, विवेक चॉकलेट लेकर अब देखो, चॉकलेट लाने गया है वो, अब बताओ। नहीं। कहाँ देखा इसे? कहाँ रहता है ये आदमी? पहले चॉकलेट दो, फिर बताऊंगा। अरे सर, इतनी जिद तो मेरे पड़ोसी का बेटा भी नहीं करता सर। आप बोले तो मैं कान खींचूं इसके। ये लो। और मैं अब गंजा बोलते मैं कान खींचेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गंदे अंकल को रहने दो। अब बताओ ये आदमी कहाँ पे रहता है, कहाँ देखा है तुमने इसे? वो उधर आओ मेरे साथ। वहाँ पे मिल गए। उसके पीछे तो जाना पड़ेगा ना। संभल के, हो सकता है वो अंदर हो। वे पीछे से जाओ। सर। हाँ विवेक। सर यहाँ ऊपर कुछ है। हाँ विवेक। ये तो शीतल का फोटो है। अब ये पक्का हो गया है, शीतल का खून तेरा नहीं है। और अब वो मानसी को मारने के लिए निकल गया है। सर आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि शेरा मानसी को ही मारने गया होगा? बेटी, शीतल की इस फोटो के बाजू वाली जगह देखो, खाली जगह है। शेरा मानसी को मार के उसकी लाश का फोटो यहाँ इस खाली जगह में लगाएगा और फिर सांचा को जाके कहेगा कि सांचा देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया शेरा।
अरे सर, ऐसे निशान तो मेरी वाइफ भी बना दिया कैलेंडर पे। ये दूध वाले का बिल, सब्जी वाले का बिल, ये इस्त्री वाले का बिल, और वो नहीं फ्रेडी, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, ये कुछ अलग ही चक्कर है, ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर, ये कोई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है सर, और इसमें तारीख भी कल की लिखी है। कल की तारीख? पेशेंट का नाम शेरा और दवाई है ज़ाइलो मॉर्निफ्लाइम। ज़ाइलो मॉर्निफ्लाइम? ये क्या है सर? ज़ाइलो मॉर्निफ्लाइम, हाँ रेडी, ये वो दवा है जो लोग जब बोट या शिप पर सफर करते हैं तब लेते हैं, क्योंकि जब बोट या शिप समुद्र पे सफर करती है तो ऐसे डूलने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को उल्टियां भी होती है, तो उल्टियां रोकने के लिए ये ज़ाइलो मॉर्निफ्लाइम की दवा लेनी पड़ती है। समुद्र के पास जाते ही तबीयत खराब। सर, इस शेरा को भी यही बीमारी होगी, इसीलिए उसने ये दवा खरीदी। सर, ये भी तो हो सकता है फ्रेडी, शेरा शिप पर सफर करने गया हो। शेरा कहाँ हो? शेरा यार, विवेक तुम यहीं पे रुको, देखो और कुछ मिलता है क्या। फ्रेडी, शेरा आ गए? आप लोग कौन है? तुम कौन हो? मैं तो पड़ोसी हूँ, बस दरवाजा खुला देखा तो लगा शेरा आ गया। हम लोग सीआईडी से, समझे? शेरा को जानते तुम? जी बस, कुछ खास नहीं, बस पड़ोसी है मेरा। कहाँ गया शेरा? कहाँ गया शेरा? बोल। मुझे लगता है सर वो आज शहर के बाहर गया है, आज सुबह ही मैंने उसे एक बड़ा बैग ले जाते हुए देखा है। बड़ा बैग ले जाते हुए? हाँ अभिजीत, कोई नई खबर? सर, एक एक फाइल, एक एक डेटा छान मारा है, इस मानसी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि मानसी ने अपना नाम ही बदल लिया हो, जैसे शीतल ने बदला था। सर ये हो सकता है, इसलिए मैंने महेश को यहाँ फिर से बुलाया, शायद उसे कुछ पता हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये लो आ गए। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी महेश। वो क्यों? अरे अभी अभी हम सब आप ही को याद कर रहे थे। तभी मैं कहूँ कि मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही थी। महेश जी, ये हिचकियाँ बाद में लेते रहना, पहले ये बताइए मेनका के साथ साथ उसकी ये दोस्त मानसी, उसकी भी तो पहचान नहीं बदलवा दी तुमने? वो सर मैंने तो सिर्फ मेनका का ही नाम वाम बदला था बस। तो फिर किसी और ने उसकी पहचान बदलवाई है? उसने भी तो गवाही दी थी ना इसी केस में, इस सांचा के खिलाफ। आप जल्दी कुछ बता सकते हैं इसके बारे में प्लीज? ठीक है सर, मैं अभी ऑफिस से पता करके आपको बताता हूँ। जैसे ही आपको पता चल जाए हमें फोन करिएगा। सर, सर चेरा के घर में हमें कैलेंडर पे 3 तारीखों के ऊपर मार्क किए हुए मिले थे। सर वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी तो मिला था। 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च और समुद्री बीमारी की वो दवा। सर 8 और 10 मार्च तो चले गए, आज है 12 मार्च। सर 8, 10 और 12 मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सर हफ्ते में इन 3 दिनों को मुंबई से एक क्रूज शिप जाती है गोवा के लिए। कहीं शेरा गोवा तो नहीं भाग रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये शेरा मानसी का पीछा करते करते शिप पे जा रहा है। ये शिप गोवा कितने बजे जाता है? सर 2 बजे। हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है, लेट्स गो। सर जल्दी चलो भाई, ये तो बोट गोवा निकल जाएगी, जल्दी प्लीज। सर प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचे तो शेरा मानसी को भी मार देगा।
सर, सर वो रही क्रूज लाइनर। सर वो जल्दी चलो जल्दी। एक मिनट रुको, बंद करो बंद करो बंद करो, रुको रुको, अभी हो गया, पैसेंजर पूरा अंदर चला गया, अभी आप आ नहीं सकते। हमारे लिए कोई गेट वेट बंद नहीं होता है, हम लोग सीआईडी से हैं। रुको, नीचे करो नीचे करो। Enjoy your journey, ma'am. Okay. जरा आसपास भी नजर रखना। Yes, sir. Excuse me. Yes, sir. हम लोग CID से हैं। CID से हैं? कुछ परेशानी सर? आप जरा ये फोटो देखिए। ये आदमी, इसको देखा? ये आपकी शिप में है क्या? ध्यान से देखो, बड़ा खतरनाक आदमी है। इसे तो नहीं देखा। ठीक से याद करके बताओ, शायद देखा होगा किसी ने। नहीं सर, इसे नहीं देखा है। यहाँ पर तो नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, ये शिप में कितने लोग हैं? 450 तक, 450। 450 लोग हैं। चलो चेक करो, कहाँ से आई आवाज? ऊपर से आई सर। इधर देखो, मैं इधर देखता हूं। माय गॉड, दया सर, एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। देखिए पीछे हटिए, हम लोग पीछे आइए प्लीज, चलिए हटिए, पीछे जाइए प्लीज, हम लोग सीआईडी से। अरे पीछे आइए, हट जाइए प्लीज, हटिए हटिए प्लीज प्लीज, एक तरफ चलो। ताशा जरा देखना, सर शी इज डेड। बहुत देर हो गई हमें आने में, किसने किया ये? हाँ? आप में से किसी ने देखा? देखो छुप रहने से कोई फायदा नहीं है, खून हुआ यहां पर खून, तो बताइए आपने आपने देखा किसी को? जी नहीं, मैं तो चीखने की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं आया। सर गोली मारी गई है। अच्छा फ्रेडी विवेक, या जितने भी लोग हैं सबको अच्छी तरह से चेक करो। अब सब इस तरफ आइए प्लीज, जेंट्स एक तरफ, लेडीज एक तरफ, इधर आइए प्लीज, इस तरफ आइए आप लोग, चलिए लाइन लगाइए आप, चलिए या अच्छी तरीके से चेक करो, समझे?
सोनिया ये क्या हो गया तुम्हें? सोनिया एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट प्लीज सोनिया, ये क्या हो गया? कहीं मानसी ने अपना नाम बदल के सोनिया तो नहीं रख लिया? क्या एक मिनट, कौन है आप? ये मेरी बीवी है सर, क्या हुआ इसे? बीवी है? हाँ, ये मेरी वाइफ है सर। आप पूरे यकीन से कह सकते हो कि इसका नाम सोनिया है? हाँ सर, लेकिन आप लोग कौन है? देखिए हम लोग CID से, लेकिन एक बात बताओ, आपकी बीवी का नाम सोनिया ही है? इसका नाम सोनिया है सर। सोनिया है या मानसी है? मानसी? इसका नाम सोनिया है सर, मेरी बीवी है सर। अच्छा, आप इसी शहर से? नहीं सर, हम लोग दिल्ली से। हम लोग शादी की सालगिरह के लिए गोवा जा रहे थे। कितने साल हुए आपके शादी को? 4 साल सर। और आपकी वाइफ आज से पहले कहीं मुंबई आई? नहीं सर, हम लोग पहली बार मुंबई आए हैं सर। एक मिनट सर, मानसी ने 2 साल पहले सर कोर्ट में गवाही दी थी। इसके हिसाब से सोनिया तो 4 साल से दिल्ली में। हाँ, ये मानसी नहीं हो सकती सर। तो फिर कौन है ये? किसने मारा है इसे? कमरे की चाबी मिली है, कमरा नंबर 112। कैबिन नंबर 112? 112? ये 112 नंबर कमरा किसका है? 112 नंबर कमरा किसी का है क्या? किसका कमरा है ये 112 नंबर? सर। यस। मैं शिप का मैनेजर हूँ सर। ये पता करिए 112 नंबर कमरा किसका है? यस सर, मैं अभी पता लगाता हूँ। हेलो। हाँ सर, सबको चेक किया, किसी के पास गन नहीं है सर। किसी के पास भी नहीं है? अच्छा, ओके सर, पता लग गया है, 112 नंबर कमरा मिस्टर कमल का है। 112 नंबर कमरा कमल का है? ये कमल कौन है यहाँ पर? हाँ, किसका कैबिन है ये? 112 नंबर कमल, आप में से कोई कमल है? कैबिन नंबर 112, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है अभिजीत, देख काम करो, पूरे शिप में देखो कोई मानसी नाम का कोई है क्या, और हम लोग ये कमल का कमरा नंबर 112 देखते हैं। अंदर हो सकता है। सर अंदर कोई नहीं। कोई नहीं जी। सर लगता है सोनिया को मारने के बाद खूनी अपने कमरे में आया ही नहीं है। जाने से पहले कमरा अच्छी तरह से चेक करते हैं। गन के साथ साथ चाकू भी, मतलब सर यह कमल खून करने के इरादे से आया था शिप पे। मतलब सर शेरा ने अपना नाम बदल कर कमल रख लिया है? हो सकता है विवेक, हो सकता है, मगर शेरा तो आया था मानसी को मारने, तो फिर उसने सोनिया को क्यों मारा? विवेक एक काम करो,
शेरा जरूर आएगा इस कमरे में हथियार लेने के लिए। तुम इस कमरे में छुप कर बैठो, जैसे वो आएगा हम उसे दबोच लेंगे। सर मैंने मानसी को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं दिख रही है। देखो शेरा अगर यहाँ है तो मानसी भी यहीं होगी। ढूंढो, पता करो उसके बारे में। सुनिए भाई साहब, आप यहाँ किसी मानसी नाम के लड़की को जानते हो शिप में? नहीं, मैं किसी मानसी को नहीं जानता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्या आप परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, पर आपको क्या? नहीं नहीं, शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग मेरी क्या मदद करेंगे? देखिए हम लोग CID से हैं, क्या बात है बताइए। सर मेरी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, मिल नहीं रही है, गायब हो कब से। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लापता है? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम मानसी तो नहीं? नहीं सर, प्रियंका है उसका नाम। प्रियंका, ये प्रियंका गायब कहाँ से हुई? वो डिस्को में थी अंदर, उसके लिए फोन आया था, वो फोन लेने के लिए बाहर है, उसके बाद गायब ही है सर, मिल नहीं रही है। आपने उसे ढूंढने की कोशिश की? हाँ मैंने पूरा शिप ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। अच्छा आपके पास उसकी कोई फोटो है? हाँ सर एक मिनट, सर ये रही फोटो उसकी। आप जरा ये मोबाइल दीजिए हमें, आप यही रुकिए, हम लोग देखते हैं। दया कहीं ऐसा तो नहीं, यही मानसी और इसने अपना नाम बदल लिया? हाँ, इस बेचारे को बताया नहीं होगा अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में। अच्छा तुम्हारे पास मानसी के पड़ोसन का नंबर है ना? उन्हें ये फोटो SMS करो और पता करिए कौन है, कहीं मानसी तो नहीं। हेलो, हाँ मानसी सर, वो मानसी ही है। ओह मानसी, एक काम करते हैं, ये फोटो दिखा के लोगों से पूछते हैं, शायद किसी ने देखा हो। यस सर। देखो तुम फिकर मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम ढूंढ लेंगे। सर प्लीज प्लीज ढूंढ लीजिए। यहाँ क्या कर रहे हो, आदमी कहाँ है? नहीं सर, शायद उस आदमी को शक हो गया था कि हम रूम के अंदर थे, इसलिए वो रूम के अंदर घुसा ही नहीं। तुमने उसका चेहरा ठीक से देखा है ना? नहीं सर, उसका चेहरा तो नहीं देखा लेकिन उसके जूते और उसकी पैंट देखी थी सर। उसके जूते काफी खराब थे, उनके ऊपर ग्रीस लगा हुआ था और उसकी पैंट ऑरेंज कलर की थी। ऑरेंज कलर की पैंट? सर लगता है इसे अच्छे ड्रेस डिजाइनर की जरूरत है सर। फ्रेडी एक बार हाथ तो लगने दो, अच्छे अच्छे डिजाइनर्स की चड्डियां पहना देंगे उसे, पहले हाथ तो लगने दो। तुमने कहा ग्रीस था उसके जूतों पर और ऑरेंज कलर की पैंट। यस सर। इंजन रूम फ्रेडी। इंजन रूम? हाँ फ्रेडी, इंजन रूम, ऑरेंज कलर की पैंट
और ग्रीस लगे हुए जूते, ये इंजन रूम में काम करने वालों का यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है। इंजन रूम चलते हैं। नहीं यार, वो लड़की तो कहीं दिख नहीं रही, इधर भी नहीं है। कमाल है, गई तो गई कहाँ? हाँ ताशा सर, इतनी बड़ी शिप है, घंटों ढूंढेंगे तो भी उसका मिलना मुश्किल है। ताशा वो इसी शिप में है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो। विवेक, यहाँ के सब दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा, देखना। कौन है आप लोग? पैसेंजर्स को अंदर आना मना है। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? एक काम करो, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सबको बुलाओ, जल्दी। चलो भाई लोग बाहर आ जाओ, इमरजेंसी है, चलो। ये सब लोग आ गए यहाँ? जी सर। कोई ऐसा है जो यहाँ पर काम करता है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है? एक ही है सर, जो आज ही काम पे आया है। अच्छा, कौन है वो? रघु। कहाँ है ये रघु? सर वो इंजन रूम में। इंजन रूम में? मिस्टर रघु, इधर आइए, नई नौकरी की बधाई देने आए हम लोग, आइए। सर, लगता है रघु शर्मा रहा है सर, आप कहे तो मैं उसे बधाई दे दूं। जाओ दे दो बधाई, संभल के। रघु, रघु, रघुवट, रघु, रघु। सर ये तो मर चुका है। रघु मर चुका है? मतलब रघु ने पहले मानसी को मारा और फिर किसी ने रघु को ही मार दिया? इसका मतलब यहां पर दो दो खूनी है, एक ये रघु और दूसरा शेरा। सर मुझे तो लगता है शेरा ने ही इस रघु को मारा है सर। एक मिनट, एक मिनट,
कुछ अजीब सा लग रहा है। वे जरा गन पकड़ो। नकली दाढ़ी। ये तो शेरा है। हाँ फ्रेडी, ये तो शेरा है। शेरा आया था मानसी को मारने और किसी ने शेरा को ही मार दिया। ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? मेरा तो दिमाग चकरा जा रहा है। हम लोग शेरा के चंगुल से मानसी को बचाने के लिए आए थे, मानसी तो मिली नहीं, किसी ने सोनिया का खून कर दिया और अभी शेरा। फ्रेडी मुझे तो लगता है शेरा आया था मानसी को मारने, मगर भूल से उसने सोनिया को मार दिया। पर सर शेरा को मारा किसने? किसी ऐसे आदमी ने शेरा को मारा है जो नहीं चाहता कि शेरा हमारे हाथ लगे। से बचने की कोशिश तो नहीं कर रही है मानसी? मानसी, ये अभी तो यहीं पे थी, अचानक गायब कहाँ हो गई? मानसी, क्या बात है? मैंने अभी मानसी को यहीं पे देखा, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, शायद किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो गुंडा उसे ले गया हो कहीं? मानसी की आवाज है, मानसी, चुप रहो और चलो मेरे साथ, चलो। छोटा बेवकूफ लड़की, चल मेरे साथ। छोटा चल, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। चलो मैं कहता हूँ, चलो बचाओ मुझे। चलो कह रहा हूँ मैं, मैं कहता हूँ चलो, चलो यहाँ से, चलो, चलो बाहर, निकलो, चलो, चलो मेरे साथ। चुपचाप चलो मेरे साथ। कहाँ तुम उस बार के मैनेजर? वो तो नाटक था तुम सीआईडी वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, सीआईडी वालों को बेवकूफ बनाएगा? तुम लोग मेरे बीच में मत आओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं कह देता हूँ, मैं गोली चला दूंगा।
तू गोली चलाएगा। क्यों क्यों मारना चाहते थे तुम इस बेचारी मानसी को? ये बेचारी नहीं है, इसने मेरे भाई सांचा को जेल में बंद करवाया। ओ, तो ये सांचा का भाई है सर? हाँ, इस मानसी ने मेनका के साथ मिलकर मेरे भाई को जेल में बंद करवाया था। इसी बात का मैं बदला लेना चाहता था। और इसीलिए तुमने शेरा को सुपारी दी इन दोनों को मारने की। पता नहीं तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है, अगर आज तुम सीआईडी वाले बीच में नहीं आते तो ये मानसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ता और मेरे भाई का बदला पूरा हो जाता। तो तुमने ये सब अपने भाई के लिए किया ना, तब तुम्हें भी अपने भाई के पास भेजते हैं सलाखों के पीछे, दोनों साथ साथ चढ़ना फांसी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।